हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। ये इसका पार्ट 11 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए ट्रीटमेंट ऑफ कॉज इन एडवांस। सबसे पहले हम कॉज इन एडवांस का मीनिंग देखेंगे, विच इज Sometimes a shareholder pays a portion or whole on the unpaid amount on the shares held by him in advance. In such a case, money so received in advance is transferred to cause in advance account. कभी कभी जब कुछ shareholders unpaid installment का कुछ और पूरा amount advance में pay कर देते हैं, तो इस केस में एडवांस अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का कुछ अमाउंट अलॉटमेंट के साथ पे करता है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट किया जाता है एंड फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, विच इज SH लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ रूपी 10 ईच। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स पे द फर्स्ट कॉल विथ अलॉटमेंट, रिकॉर्ड जनरल एंट्री ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में एक शॉर्ट नोट बनाएंगे, जिससे हमें क्वेश्चन बार बार रीड ना करना पड़े। यहां SH लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स और रूपी 10 ईच इशू किए हैं, जहां आपको इंस्टॉलमेंट भी गिवन है। देन एक शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ पे किया है। जब कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ड्यू डेट से पहले पे करता है, तो उस अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यह आपको 500 शेयर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ रिसीव हुआ है। आपको यहां अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल से रिलेटेड जनरल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हम जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, देन हम फर्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, विच इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जहां अमाउंट आएगा 10,000 शेयर्स इंटू रूपी 3, विच इज इक्वल टू रूपी 30,000। देन नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। देन सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की होगी, विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यह कॉल्स इन एडवांस को इसलिए क्रिएट किया गया है क्योंकि आपने फर्स्ट कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ रिसीव किया है। देन हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आपका 30,000 अमाउंट आएगा, जो आपने फर्स्ट एंट्री में ड्यू किया था। देन आपने 500 शेयर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल का अमाउंट, विच इज 2 पर शेयर, अलॉटमेंट के साथ रिसीव किया है, तो आपका कॉल्स इन एडवांस में अमाउंट आएगा 500 शेयर्स इनटू रुपी 2, विच इज इक्वल टू रुपी 1,000। एंड देन इन दोनों का टोटल आपका बैंक अकाउंट में आएगा, विच इज 31,000, जो आपने पब्लिक से रिसीव किया है। एंड देन आप नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। देन हम थर्ड एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करने की, विच इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसमें अमाउंट आएगा 10,000 शेयर्स इंटू रुपी 2, विच इज इक्वल टू रुपी 20,000। एंड देन हम नरेशन लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। देन आपकी फोर्थ एंट्री होगी फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने की, विच इज बैंक अकाउंट डेबिट
calls in advance account debit to equity share first call account. यहाँ हमने calls in advance account को इसलिए debit किया है क्योंकि आपने first call का amount रुपी 1000 के according allotment के साथ receive कर लिया था. Then हम amount calculate करेंगे. Equity share first call में आपका रुपी 20,000 आएगा जो आपने public से due किया था. Then calls in advance account में आप रुपी 1000 लिखेंगे क्योंकि ये amount आपने allotment के साथ receive कर लिया था. And bank account में आपका आएगा रुपी 19,000. ये रिमेनिंग अमाउंट है जो आपने पब्लिक से अब रिसीव किया है. एंड देन हम नरेशन लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव. और इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है. तो यहां आपको याद रखना है कि जब आप किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पहले रिसीव करते हैं तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है एंड देन डेबिट किया जाता है. So thank you guys for watching this video. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए. For more videos, subscribe my channel, Success Eat. आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आप हमें फॉलो कर सकते हैं Facebook, Instagram एंड WhatsApp पर for questions, queries एंड updates के लिए. And click on bell icon for daily updates. Thank you.